भाई को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने कूड़ा गली से। तो ये भाई जो भी दिख रहा है हमारे पीछे, ये लखनऊ के पॉश एरिया में से एक आता है और इसका नाम वैसे चटोरी गली है, लेकिन ये सुबह सुबह एकदम कूड़ा गली लग रही है। तो भाई आइए इस खूबसूरत दृश्य को हम सभी लोग मिल के देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज का ब्लॉग होने वाला है काफ़ी बेहतरीन, क्योंकि आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ लखनऊ, लखनऊ की गलियाँ अपनी साइकिल से। इसका पूरा वीडियो होने वाला है यार बाईसाइकिल राइड। तो हम करने वाले हैं अपने घर से स्टार्ट और हम जाएंगे पहले VIP रोड, फिर इको ग्रीन गार्डन, फिर उसके बाद कैंटोनमेंट, और ऐसे करते करते लखनऊ की कुछ फेमस जगह आपको दिखाएंगे जहाँ पर मूवीज़ की शूटिंग वगैरह हुई है। तो ब्लॉग थोड़ा सा टफ होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मैं पूरी राइड साइकिल से करने वाला हूँ। करीबन 50 से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और इस ब्लॉग को सक्सेसफुल बनाने में हाथ है मेरे सीनियर ब्रिजेश भैया का, जिनकी ये साइकिल है। तो भाई मुझे चाहिए काफ़ी मोटिवेशन, और मोटिवेशन मिलता है आपके शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई टैक्स नहीं लगता है भाई। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए। तो बिना किसी देरी के चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको दिखाते हैं अपना प्यारा लखनऊ। आपने देखा अभी मैंने पहले पार्क किया अपना पहला चेक पॉइंट, जो कि था इको गार्डन। तो इको गार्डन यार बहुत ही अच्छा पार्क है, जो कि मायावती जी के शासन में बनवाया गया था। तो अभी हम आ गए अपने दूसरे चेक पॉइंट पे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारा दूसरा चेक पॉइंट है कैंटोनमेंट एरिया, यहाँ से हम 10:90 के लिए जाएंगे। और इको गार्डन यार बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, जहाँ पर काफ़ी कपल और फैमिली आती है। तो चलते चलते बात कर लेते हैं यार फटाफट की इको गार्डन में कैसी कैसी मूवी शूट हुई है। तो इको गार्डन में यार काफ़ी मूवी शूट हुई है, जिसमें से एक आपने सॉन्ग सुना होगा, सुनो ना संगमरमर की ये दीवारें। तो भाई हाथियों के बगल में शूट हुआ था ये सॉन्ग। तो इको गार्डन में भी यार काफ़ी मूवी शूट हुई हैं। तो अभी हम चल रहे हैं 10:90 की ओर, जहाँ पे अम्बेडकर पार्क है। तो उधर भी यार काफ़ी मूवी शूट हुई हैं और काफ़ी रिहायशी इलाका है, CM आवास भी वहाँ पर है। तो सब कुछ दिखाते हुए यार, सब कुछ कवर करते हुए जर्नी को आगे बढ़ाते हैं ट्रैवलर मिश्रा के साथ। तो अभी आप देखिए हमारा कैंटोनमेंट एरिया। तो ये है भाई हमारा कैंट एरिया, और ये यहाँ का बुछड़ी ग्राउंड है। सारी ड्रिल, परेड, NCC की ट्रेनिंग सब इसी ग्राउंड में होती है। तो यार मैं यहाँ की ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगा ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस। तो मिलते हैं यार कैंट ख़त्म होने के बाद में। तो गाइस अभी हमने अपना दूसरा चेक पॉइंट भी क्लियर कर लिया, जो कि कैंट एरिया का था। तो भाई लगता है कि सूरज निकलेगा, और अगर सूरज निकला तो मेरा कचूमर निकल जाएगा। तो अभी हम जाने वाले हैं मुख्यमंत्री आवास होते हुए 10:90 चौराहा। तो मैं आपको दिखाऊंगा 5 कालिदास मार्ग, यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं। तो चलिए अपने सोलो कारवां को बढ़ाते हैं आगे। तो भाई यहाँ से लेफ्ट जो रोड जाती है,
हमारे सीएम साहब इधर ही रहते हैं। और ये जो भी ग्राउंड दिख रहा है, ये ला मार्टिनियर का फुटबॉल ग्राउंड है और ये ला मार्टिनियर का गर्ल्स कॉलेज है। तो काफ़ी यार ये रिहायशी इलाका है, यहाँ सारे नेता और मंत्री वगैरह रहते हैं। तो आप देखिए ग्राउंड, और बस कुछ ही देर में आने वाला है हमारा तीसरा स्टॉप 1090। तो ये है भाई हमारे लखनऊ का लोहिया द्वार, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और ये जो भी आप रूट देख रहे हैं, ये लोहिया पथ है। तो ये लोहिया पथ कुछ दूर बाद जाके 1090 से मिलता है। तो अभी हम खड़े हैं अम्बेडकर पार्क के सामने परिवर्तन चौक पे। तो फटाफट बात कर लेते हैं यार कि इस प्लेस पे कौन सी मूवी शूट हुई थी। तो हमारे प्यारे सत्तू भैया की मूवी शूट हुई थी। आप प्लेस देख के जान जाएंगे और शायद आपको डायलॉग भी याद आ जाए कि कौन सा डायलॉग दिया था उन्होंने इस प्लेस पे। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो भैया सत्तू भैया ने डायलॉग मारा था कि वो देखो सामने 5-star होटल है, मौसम रंगीन है कुछ ऐसा ही डायलॉग मारा था। और भाई मूवी का नाम था शादी में ज़रूर आना। और सामने देखिए कितने सारे हाथी दिख रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ भाई। ये सब हमारी मायावती जी की देन है। तो भाई लखनऊ में यंगस्टर की पहली पसंद रिवर फ्रंट। हम रिवर फ्रंट के अभी ऊपर हैं। तो रिवर फ्रंट पे भी यार मूवी की शूटिंग हुई है। रिवर फ्रंट पे बहन होगी तेरी, आपने सुना होगा मूवी। तो उसमें लास्ट सीन जो है सत्तू भैया रिवर फ्रंट पे शूट होता है, वो कुछ उस साइड पे शूट हुआ था। तो अभी मैं आपको लेके चलने वाला हूँ चटोरी गली में, और वहां से भी नीचे उतरेंगे तो थोड़ा आपको ये गोमती नदी का भी सीन दिखाएंगे थोड़ा। और उसके बाद फिर हम हजरतगंज में फेमस शर्मा जी की चाय चलेंगे, वहाँ थोड़ा सा रिफ्रेश होंगे यार चाय में पी के। फिर आगे का प्लान वहीं से डिस्कस करेंगे, क्योंकि भाई ये राइड है टोटली सोलो और डिस्टेंस को लेके मैं थोड़ा सा यार हो रहा हूँ कंफ्यूज। तो शर्मा जी की चाय पी के देखते हैं यार कितनी एनर्जी मिलती है, फिर हम अपना कारवा उसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं चटोरी गली और दिखाते हैं आपको अपनी गोमती नदी। गाइस अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ यार लखनऊ की चटोरी गली के नाम से फेमस इस एरिया में, जो कि वीमेन लाइन के सामने है। तो यहाँ भाई खाने पीने की बहुत वैरायटी और रात में एक अलग सा ही माहौल देखने को मिलता है। तो ये जो अभी हमारे सामने दिख रहा है, ये 1090 वीमेन पावर लाइन है। तो भाई जो भी लड़के अगर लड़कियों से छेड़खानी करते हैं तो ये लोग उनकी क्लास लगा देते हैं। ये है भाई हमारा लखनऊ, खूबसूरत लखनऊ। तो सामने ही आपको ये गली दिख रही है, इसी को हम चटोरी गली के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बहुत ही कपल्स यार रात में देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छी जगह है। और नीचे अभी आपको मैं आपको नक्षत्र वाटिका दिखाता हूँ चल के, जहाँ से गोमती नदी का क्या बेहतरीन सीन दिखता है। तो चलते हैं फटाफट नीचे की ओर।
भाई चटोरी गली तो अभी लगी नहीं है, और ये चटोरी गली कम यार कूड़ा गली ज्यादा लग रही है। तो भाई रात में सारे लोग मिल गए यहाँ खूब मस्ती करते हैं, और सुबह इतना कूड़ा कर देते हैं। आप देखिए ये क्या ही है भाई, ये हमारे लखनऊ का पॉश एरिया है, और देखिए कितना ही कूड़ा यहाँ पे कर रखा है। ये है भाई चटोरी गली, देखिए एक भी डस्टबिन का यूज नहीं करते हैं यहाँ पे लोग। तो गाइस वेलकम है आपका कूड़ा गली में। हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन टू माय व्लॉग, और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने कूड़ा गली से। तो ये भाई जो भी दिख रहा है हमारे पीछे, ये लखनऊ के पॉश एरिया में से एक आता है, और इसका नाम वैसे चटोरी गली है लेकिन ये सुबह सुबह एकदम कूड़ा गली लग रही है। तो भाई आइए इस खूबसूरत दृश्य को हम सभी लोग मिल के देखते हैं। तो भाई ये कौन सा इलाका है ये? तो भाई 1090 रिवर फ्रंट मिले हैं ये भाई अपने, और ये दबंग भाई देखो पहले बंदूक भाई बंदूक मत दिखाओ यार। तो भाई लोग रील वील बना रहे हैं, भाई का इंट्रोडक्शन लेते हैं। आपका नाम क्या है भाई? भाई मेरा नाम मोहम्मद नबीन। मोहम्मद नबीन भाई है ये? कबीर। मेरा नाम सिराज। तो भाई दबंग भाई? भाई कृष्णा। कृष्णा कृष। तो भाई लोग रील बना रहे थे बहुत बढ़िया, और मैंने थोड़े थोड़े से इनके कट्स लिए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई एक दबंग स्टाइल में अपने इंस्टाग्राम का एक बार अपना यार ब्रेक कर दो ना, क्या तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ग्रुप का नाम क्या है बताओ। ग्रुप का नाम भाई भाई को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो भाइयों से मिस्टर नवीन 096। तो भाई ये कैमरा मैन है इस ग्रुप के, बहुत बढ़िया रील वील बनाते हैं। तो भाई एक प्यारे से गन शॉट के साथ करते हैं बाय बाय, यहाँ चला के दिखा दो दोस्त। तो भाई दबंग भाइयों से करते हैं बाय बाय, और फिर कहीं किसी मोड पे मिलेंगे। हाँ तो अभी हम जाने वाले हैं रिवर फ्रंट के दाएं किनारे पे, तो नीचे उतरते हैं और देखते हैं यहाँ कुछ क्या खास है देखने के लिए। अभी हम जा रहे हैं शर्मा टी स्टॉल चाय पीने, और हमें मिल गए हमारे भाई ऋषि जो कि स्कूल में हमारे सीनियर थे। ऋषि भाई हाय करो यार। तो अभी हम दोनों भाई जा रहे हैं यार चाय वाय पियेंगे, और उसके बाद घर जाएंगे, और जितना भी ओल्ड लखनऊ का पार्ट बचेगा वो हम सेकंड पार्ट में लेके आएंगे। तो अभी चलते हैं लखनऊ की फेमस चाय शर्मा चाय पीने, और उसके बाद चलते हैं घर की ओर। तो भाई ये जो आपको दिख रहा है यही है हमारे गवर्नर का आवास। तो भाई काफी बड़े एरिया में है ये, और देखिए क्या ही साफ सफाई है यहाँ पे। तो ऐसी साफ सफाई अगर पूरे लखनऊ में हो जाए तो आनंद ही आ जाए। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हजरतगंज मार्केट में। तो ये है हमारे लखनऊ की हजरतगंज मार्केट, और यहाँ पर यार इसकी विशेषता यही है कि यहाँ पे जितने भी आपको बोर्ड दिखेंगे ना वो ब्लैक एंड व्हाइट में होते हैं, और रात में ये जितना अभी देखने में सन्नाटा लग रहा है रात में ये मार्केट उतनी हसीन हो जाती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ हजरतगंज का मेट्रो स्टेशन, और ये काफ़ी यार चलते फिरते इलाकों में से आता है,
ये एरिया कभी नहीं सोता है, 24/7 चलता ही रहता है। तो ये है दोस्तों हजरतगंज मेट्रो स्टेशन, और ये है मार्केट, और ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का सबसे पुराना सिनेमा हॉल। पीछे चला गया साहू सिनेमा हॉल, काफ़ी पुराना है वो। तो जहाँ तक हम लोग पहुँचने वाले हैं शर्मा टी स्टॉल, तो यार काफ़ी टाइम बाद में आया हूँ तो मुझे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं भूल भी गया हूँ। तो ऋषि भाई आगे आगे लीड कर रहे हैं, चलते हैं और ढूंढते हैं शर्मा टी स्टॉल। तो भाई करीब 20 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद हमें मिल गया हमारा चाय बंद मक्खन। और वो कहावत है कि अगर भाई लखनऊ में आए और हजरतगंज में घूमे और शर्मा जी की चाय नहीं पिया तो कुछ नहीं किया। तो भाई चलिए शर्मा जी की चाय पीते हैं और रिव्यू करते हैं कि कैसी लगी चाय हमारे ऋषि भाई को भी और हम। तो भाई यही है शर्मा टी स्टॉल, और भीड़ तो ऐसी लगी जैसे यहाँ भंडारा चल रहा है भाई, फ्री में चाय मिल रही है। तो अमीर से लेकर गरीब, छोटे से लेकर बच्चे, सभी लोग आते हैं और शर्मा जी की चाय का आनंद उठाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम अगेन। यार वेलकम। हाँ तो भाई अभी हम पहुंच गए अपना तीसरा स्टॉप 1090, और अभी हम हैं गार्डन में। गार्डन का